नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जेपी आज यहां से चुनाव लड़ रहे सभी विरोधियों पर जमकर बरसे। पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के सुपुत्र कुलदीप बिश्नोई और उनके बेटे भव्य बिश्नोई पर लोगों के साथ साथ चुनाव आयोग को भी गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नामांकन पत्र दाखिल करते वक्त भव्य बिश्नोई ने मात्र एक केस दर्ज होने की घोषणा की, जबकि उनके खिलाफ चार मुकदमे दर्ज होने की सूचना है। उन्होंने कहा कि बीते 26 सालों में कुलदीप बिश्नोई ने आदमपुर विधानसभा क्षेत्र का विकास नहीं करवाया और 5 महीने पहले जब वे भाजपा में गए तब से अब तक विकास के नाम पर एक ईंट भी आदमपुर हलके में नहीं लगवाई, तो इस सरकार के बाकी 12 महीनों में वो यहां क्या विकास कर पाएंगे। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पंजाब में सरकार बनने के बाद कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गायक सिद्धू मूसेवाला समेत कई खिलाड़ियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई है और सरकार मूक दर्शक बनकर इन वारदातों को देख रही है। सिद्धू मूसेवाला के पिता ने भी सार्वजनिक तौर पर आरोप लगाया है कि यदि उनके बेटे की सिक्योरिटी न हटाई जाती तो वो अपने पुत्र को नहीं खो देते। उन्होंने SYL के पानी में हरियाणा का हिस्सा न देने के लिए आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आपके शीर्ष नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में विकास का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, जबकि वहां कांग्रेस के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की ओर से करवाए गए विकास कार्यों पर रंग रोगन करके उद्घाटन करवाए जा रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि एलनाबाद उपचुनाव में अभय सिंह चौटाला ने मंदसौर से घोषणा की थी कि चुनाव जीतने के बाद वे ना तो कांग्रेस का साथ देंगे और ना ही भाजपा का साथ देंगे, जबकि राज्यसभा के चुनाव में उन्होंने खुद घोषणा की कि उन्होंने भाजपा जजपा समर्थित उम्मीदवार कार्तिक शर्मा के पक्ष में मतदान किया है। उन्होंने कहा है कि इन सभी विरोधियों की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने 10 साल के शासनकाल में हरियाणा को नंबर 1 पोजीशन पर ला दिया था। उस वक्त प्रदेश के किसान, व्यापारी, मजदूर, कर्मचारी और युवा वर्ग कभी भी सड़कों पर नहीं आए थे। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी और फिर दोबारा से हरियाणा नंबर 1 पोजीशन हासिल करेगा। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जेपी ने कहा कि यदि उनके दामन पर कोई एक दाग भी दिखा दे तो वे अभी आदमपुर विधानसभा सीट से अपना नामांकन वापस ले लेंगे। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश जेपी के चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर युवा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व गृह मंत्री संपत सिंह समेत अन्य सीनियर नेताओं ने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। आदमपुर से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। समाज का यदि कोई एयर चीफ मार्शल, मैं गलत तो नहीं, एयर मार्शल तो हरियाणा में पहले घोटिया साहब, सुरेंद्र घोटिया जी, मैं पहले तो इनका स्वागत करता हूं कि इन्होंने जिस तरीके से अपने विवेक से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके इस देश की सुरक्षा में काम किया, आज ये कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी का साथ दिया, मैं इनका स्वागत करता हूं। और मंच पर वह विराजमान सभी नेतागण, लोकी राम का भी ले जाएंगे, बिना लोकी राम में मन मारेगा यू, और जितने भी विशेष तौर से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को छोड़ करके जिन्होंने कांग्रेस पार्टी का साथ देने का निर्णय लिया, मैं उन नेताओं का, उन कार्यकर्ता साथियों का बहुत धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे याद है कि जब हरियाणा प्रदेश का ये मध्यवर्ती चुनाव आदमपुर का हुआ तो कुलदीप बिश्नोई ने जहां कांग्रेस पार्टी के साथ विश्वासघात किया, वहां किसी भय, डर और प्रलोभन की वजह से आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के सम्मान को भारतीय जनता पार्टी के चरणों में गिरवी रखने का काम किया। उसी दिन से कांग्रेस पार्टी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान जी, दीपेंद्र जी इलेक्शन मोड में आ गए थे और उसी का एक नतीजा है कि लोगों, पहली बार देख रहा हूं 35 साल के राजनीतिक जीवन में, सत्ताधारी दल की तरफ तो लोग आते हैं लेकिन सत्ता को छोड़ करके विपक्ष में कोई आया है तो हमारे ये साथी इसलिए आए हैं क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश की सरकार में बैठे हुए लोग जिनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगते हैं, यानी कि हरियाणा प्रदेश की सरकार पूर्ण रूप से असफल सरकार है। आज हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री से लेकर के संतरी तक
किसी की कोई हैसियत ब्यूरोक्रेसी ने छोड़ी नहीं। बहुत ही आदर और मान के योग्य है हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी और हमारे बहुत ही प्रिय और अजीज और हरियाणा प्रदेश की अकेली आवाज़ पार्लियामेंट में दीपेंद्र जी हुड्डा जी और अभी आपके सामने बोल के गए हमारे कैंडिडेट, इनकी ऊर्जा आपने देख ली है, जयप्रकाश जी और मंचासीन सभी नेतागण और सभी साथियों, भाषण जयप्रकाश जी के देने के बाद में कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है, सारी बातें खोल के इन्होंने बता दी। सारे कैंडिडेट जैसे हुड्डा साहब कह के गए थे कांग्रेस पार्टी के चुनाव लड़ रहे हैं, वो दाएं बाएं से घूम के आके कांग्रेस पार्टी से जाकर चुनाव लड़ रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी को सीधा ही वोट क्यों ना दे दें बजाय उनको देने की बजाय। कांग्रेस के ही वो लोग हैं आज तीनों पार्टियां जो और चुनाव लड़ रही है उनमें कैंडिडेट उनको अब मिला ही नहीं है, कांग्रेस के ही मिले हैं, तो फिर क्यों वोट उनको दें। भाई जयप्रकाश जी आपके सामने हैं, ऊर्जावान है, आज भी MP रहे, मंत्री रहे, MLA रहे और मंत्री के टाइम में तो मैंने तो इशार भी कहा था कि इनकी जेब में उन दिनों सबसे ज़्यादा डिमांड रहती थी तो गैस कनेक्शन की और टेलीफोन की रहती थी और वो जो इन्होंने थोक में बांटे ऐसे नहीं बांटे, कोई नकली नहीं बांटे, असली बांटे थे, अगले दिन कनेक्शन हो जाता था। राम राम जी सबको। हमारे कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे बहुत आदरणीय चौधरी उदयभान जी, हमारे बीच में हमारे आदमपुर से विधानसभा उपचुनाव के हैं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी और होने वाले आदमपुर से विधायक, एक संघर्ष के प्रतीक, संघर्ष और हरियाणा की राजनीति में लोगों के लिए तपस्या के प्रतीक। जब मैं पहली बार लोकसभा में गया था, लोकसभा में पहुंचा लोगों के आशीर्वाद से, 2005 में अवसर मिला मुझे, अब तो मुझे भी देश की संसद में 18-19 साल का सफ़र हो गया, शायद 43-44 की आयु में इतना आशीर्वाद शायद देश में किसी को ना भी मिला हो, लोगों ने बहुत साथ दिया, आशीर्वाद दिया। लेकिन जब मैं पहली बार गया था तो मैं देखता था उस लोकसभा की, मुझे याद आती है, मैं देखता था कि हर रोज़ जब भी सदन बैठता था अगर कोई एक सांसद पूरे देश में, हरियाणा की बात नहीं कर रहा, हर रोज़ किसी ना किसी मोशन के तहत या किसी ना किसी रूल के तहत एक सांसद हर रोज आवाज उठाता था देश के लोगों की, तो उस सांसद का नाम जयप्रकाश था, मैं देखता था। और उसके बाद सदन से वापस आके अगले दिन मैं अखबार पढ़ता था तो खबर आती थी कि वह आज तो हिसार के उस कोने में ये प्रोग्राम करते हुए जयप्रकाश जी ने ये प्रोग्राम किया, वो प्रोग्राम किया, किसी सुख में गए, दुख में गए, कहीं किसी विकास कार्य का फाउंडेशन रखा। और अगले दिन सुबह जब दिल्ली में मैं मिलता था मैं पूछता था MP साहब क्या कर रहे हो, और वहाँ से मैं कह सकता हूँ कि मुझे, क्योंकि मैं पहली बार गया था, नया नया था, जो कॉलेज में फर्स्ट ईयर में जाते हैं जैसे, तो जो है तो वहाँ से मुझे प्रेरणा मिलती थी और मैं कहता था कि भाई आप जितनी मेहनत तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन मेरा भी मन यही है कि भाई मैं, मेरे को रोहतक के लोगों ने मौका दिया, मैं भी दिन रात मेहनत करके और जो है लोगों के बीच में अपना प्रयास करूंगा। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।